नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बनाई गई फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है और दोस्तों विवेक ओबेरॉय जैसे स्टार से इस फिल्म ने 10 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग दिलवा दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह की जीत नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शंस में ली है उसे देखते हुए यहाँ पर दूसरी पार्टीज के लोग भी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं और दोस्तों ये फिल्म लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती ही जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस फिल्म के 2 दिनों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और जानने वाले हैं कि दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की बायोपिक फिल्म को पहले 5 अप्रैल के दिन रिलीज किया जाना था, लेकिन दोस्तों कुछ कारणों से इस फिल्म को रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया और अभी इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है 23 मई को। बताया दोस्तों कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में मात्र 1300 स्क्रीन्स ही मिल पाई है और इस फिल्म ने अपने पहले दिन एक रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विवेक ओबेरॉय ने इस फिल्म में काफ़ी आउटस्टैंडिंग काम किया है और काफ़ी दिनों बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की है और एक काफ़ी बढ़िया काम किया है। वही दोस्तों अमित शाह का किरदार निभा रहे हैं यहाँ पर, मनोज जोशी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है और इन दोनों ही एक्टर ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। बता रहे दोस्तों कि विवेक ओबेरॉय ने तो मोदी जी के चलने से लेकर मोदी जी के बोलने तक सभी चीज को कॉपी कर लिया था। वही दोस्तों उन्होंने मोदी जी के किरदार के साथ काफी बढ़िया तरीके से न्याय किया है। बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने भी काफी अच्छी रेटिंग्स दी है। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज से ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन कमा चुकी थी लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए। वही दोस्तों अदर लैंग्वेज की बात करें तो इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 23 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है और दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन टोटल बॉक्स ऑफिस पर कमाई की है लगभग 13.5 करोड़ रुपए की। बताया दोस्तों कि इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं मोदी जी के कारण इस फिल्म को काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। दोस्तों इस फिल्म की फर्स्ट डे ऑक्यूपेंसी तो काफी कम रही थी, उसके बाद भी ये फिल्म अपने पहले दिन काफी अच्छी कमाई कर चुकी है। वहीं अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के सेकंड डे की, तो सेकंड डे में दोस्तों इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी काफी आउटस्टैंडिंग रही है और ये फिल्म आज अपने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 14 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का 2 ही दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका होगा लगभग 27 करोड़ रुपए, जो कि एक काफी बड़ा कलेक्शन है। दोस्तों इस फिल्म का बजट है मात्र 20 करोड़ रुपए का और ये फिल्म सिर्फ मोदी जी के नाम पर ही अपने 2 ही दिनों में लगभग 27 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड कमाई होगी। और इस तरह से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ अपने 2 ही दिनों में हो चुकी है हिट। वही दोस्तों ये फिल्म आने वाले अपने पहले ही हफ्ते में लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए की कमाई करने के बाद इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको क्या लगता है इस फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 100 करोड़ से ज़्यादा का हो पाएगा या नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा।